हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह को मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तशवीश, कहते हैं आईन और कानून के मुताबिक बातचीत से मामला तय होने चाहिए, जमहूरी ताकतों को कतई तौर पर कमजोर नहीं होना चाहिए। हंगामी हालत फौज को तलब किया जा सकता है, सिविल हुकूमत की मदद पाक फौज की आईनी जिम्मेदारी है। फौज तलब करने के मामले पर वजारत दाखिला को जवाबी मरासला अरसाल, रेंजर्स को तैनाती के तहरीरी अहकाम नहीं दिए गए, मरासले के मंदरजात। फैजाबाद धरना बदस्तूर जारी, जुड़वा शहरों को मिलाने वाले रास्ते बंद, आवाम की परेशानी आज भी बरकरार। शदीद मुजाहमत के बाद मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन तहाल मौतल, पुलिस की भारी नफरी फैजाबाद पर मौजूद। इस्लामाबाद में हसास मुकामात की हिफाजत के लिए फौज तैनात। फैजाबाद ऑपरेशन के बाद एहतजाज मुल्क भर में फैल गया, लाहौर में पंजाब असेंबली और चेरिंग क्रॉस पर एहतजाज, गुजरात खारियां गुजरावाला मुल्तान शेखपुरा हाफिजाबाद ननकाना साहब समेत कई शहरों में जिंदगी मफलूज। लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे पीर और मंगल को बंद रखने का फैसला, वजीर तालीम राणा मशहूद के मुताबिक सूबे में तालीमी इदारे बुध को खुलेंगे। एहतजाज के बायस कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक के बहाव में तातुल, मोटरवे M2 इस्लामाबाद से पिंडी भटिया तक बंद, GT रोड की मंदरा तरनौल टेक्सला से बंदिश, नेशनल हाईवे मुल्तान भी कई मुकामात से ना खोली जा सकी। कराची की मरकजी शाहराहों पर धरने से निजाम जिंदगी बफलूज, नुमाइश चरंगी शाहराह फैसल नागन चरंगी पर भी एहतजाज, सुपर हाईवे पर धरना, रास्ते बंद होने से आवाम अजियत में मुब्तला। हैदराबाद सक्कर लाड़काना थट्टा उमरकोट समेत अंदरूने सिंध कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी धरने, पिशावर में रिंग रोड पर मुजाहरीन मौजूद। फैजाबाद धरने के बाद मुल्क भर में सूरत हाल कशीदा, केबल पर न्यूज चैनल्स की बंदिश को 24 घंटे गुजर गए, फैजाबाद धरने की लाइव कवरेज पर पाबंदी भी बरकरार, इंटरनेट पर फेसबुक यूट्यूब और ट्विटर की सर्विस तहाल बंद। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का खेलों के मैदानों पर भी असर, कायद आजम ट्रॉफी का सुपर 8 मरहला और रावलपिंडी में नेशनल T20 के सेमीफाइनल्स मुलतवी। पाकिस्तान और भारत का आइंदा हफ्ते रूस में आमना सामना मुतवक्के, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इजलास में पाक भारत नुमाइंदे शरीक होंगे। इस्लामी ममालिक के फौजी इत्तेहाद का पहला इजलास आज रियाद में होगा, वज़ीर दिफा दहशतगर्दी के खात्मे और रुकन ममालिक में ताबुन बढ़ाने पर तबादले ख्याल करेंगे। लंदन एक बार फिर खतरे में, दाइश का क्रिसमस सीजन के दौरान हमले का ऐलान, सोशल मीडिया पर धमकी आमेज तस्वीर भी जारी कर दी। चीन के सूबे जियांग की फैक्ट्री में धमाके से कई इमारतें तबाह, तो अफराद हलाक 30 जख्मी।
पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की फतह यकीनी। कैंगरूज को फतह के लिए 56 रन दरकार, 10 विकेट्स बाकी।